मेरा छोटा भाई अखिल किमटा MBBS KNMU यूनिवर्सिटी से 5th ईयर की स्टडी कर रहा था और 5th ईयर उसका कम्प्लीट हो चुका है। तो मेरा भाई जो है वो कीव सिटी में था मैम, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति वहाँ पे है। 24 तारीख को 2:40 पे उसकी फ्लाइट थी कीव एयरपोर्ट से, जो कि 11 बजे को उनको मैसेज आता है कि योर फ्लाइट गॉट कैंसल। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एकदम से उसका कॉल आता है मेरे को कि भैया मेरी जो है फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आप एक बार, हम लोगों ने भी न्यूज़ चैनल स्टार्ट किए देखना तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी न्यूज़ और तस्वीरें सामने आ रही थी कि एयरपोर्ट टोटली ख़राब हो चुका था, वो उन्होंने वो नष्ट कर दिया था। तो वहाँ से उनको जो है एम्बेसी ने गाइड किया कि आप जो है नियरेस्ट सेफेस्ट प्लेस पे जाओ, क्योंकि एम्बेसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे और किस तरीके से। वहाँ से उन्होंने बड़ी मुश्किल से कैब ली और वो कैब से एक हॉस्टल में गए, वहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही थी। उन्होंने वीडियो जो मेरे को भेजी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उनको रहना। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी जो है बंकर की ओर जाए। तो वहाँ से वो बंकर की तरफ गए और बंकर में वो नो डाउट सेफ थे मैम, बट वहाँ पे जो है खाने की सुविधा नहीं है। दो ब्रेड को पूरा एक एक दिन उन्होंने गुजारा किया है, बिस्किट की जो वो साथ लेके इंडिया लेके आ रहे थे चॉकलेट्स और ट्रैवल के दौरान के लिए, तो उससे गुजारा किया। वहाँ पे स्थिति जो है बहुत ज़्यादा नाजुक है। खारकीव में भी अभी बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए, उनके क्लासमेट्स जो है उनसे भी मेरी बात हुई, खारकीव से भी उन बच्चों को भी कीव आना है और कीव से जो है वो लगभग जाएंगे। तो अभी जो है कीव और खारकीव में स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जितने भी हिमाचल में बच्चे हैं उन लोगों का, उन सभी बच्चों का। हम लोगों से भी निरंतर उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, नो डाउट। इसमें मैं अपने अगर थाना प्रभारी जो हमारे चौपाल हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा और MLA चौपाल दिलीप नरवा जी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। कुछ मैं इसको कोई इसमें कोई वो नहीं है कि मैम पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हम लोगों की, आप यहाँ ये कीजिए ये कीजिए। तो क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमारे बस की बात तो है नहीं कि जी हम लोग यूक्रेन में तो नहीं बैठे हुए, बट बहुत ज़्यादा साथ दिया। और डिमांड ये है कि आगे भी इसी तरीके से जो बच्चे फंसे हुए उनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, क्योंकि अभी भी जो मैं काउंसिल करता हूँ स्टूडेंट्स को कि बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वो बच्चे जा सकते हैं। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है BGC एजुकेशन, और उसके थ्रू मैंने खुद बच्चों की एडमिशन करवाई है डिफरेंट कंट्रीज में, यूक्रेन बीइंग वन ऑफ द पार्ट। यूक्रेन में कई सिटीज है जैसे खारकिव है, कीव है, जो प्राइमरीली MBBS की स्टडीज के लिए बच्चे जाते हैं, तो उन सब की वो मेरे थ्रू ही बच्चे बाहर गए हैं। तो इट बिकम्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि अब इस सिचुएशन पे कि मुझे ही एक स्टेप लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से डिमांड करनी पड़ेगी कि वो उन बच्चों को प्लीज वापस लाया जाए, इमीडिएट इवैक्यूएशन उनका हुआ किया जाए। मेरी बातचीत हर स्टूडेंट से हो रही है जो भी वहां पे बच्चे हैं, नॉट बीइंग कि मैंने उन्हें भेजा है, जो भी हिमाचल के बच्चे हैं या इंडिया के बच्चे हैं, हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप्स बने हैं, सारे पेरेंट्स के ग्रुप्स बने हैं, वो रेगुलरली मेरे टच में हैं और उन सबसे मेरी बातचीत होती है। दे आर कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि वहां पे बहुत ही एक डेविस्टेटिंग सिचुएशन है इस टाइम और उनका इमीडिएट इवैक्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या डिमांड करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ऑनरेबल CM के पास हमने अपना एक डिमांड चार्टर प्रेजेंट किया है, उसमें हमने प्रेजेंट में यही डिमांड्स रखी है कि हमारी इमीडिएट स्टूडेंट्स फंसे हैं उनकी इमीडिएट इवैक्यूएशन हो, उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए ताकि वो अपने रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स में वो पहुंच सके। जो बच्चे 6th ईयर में हैं, जिनकी अभी ऑन द वर्ज ऑफ कम्प्लीशन ऑफ डिग्रीज है, जो दूसरे महीने उनको डिग्री मिलनी थी, उन बच्चों को इस साल के नेक्स्ट और FMG के एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाए बिफोर कंप्लीटिंग डिग्री। बच्चे तो ऐसा है जिनको सेफ पैसेज मिल चुका है और वो रोमानिया या स्लोवाकिया जैसे बॉर्डर्स पे पहुंच चुके हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जो अभी भी बॉम्बिंग शेल्टर्स, बॉम्बिंग साइट्स में हैं, जो शेल्टर होम्स में हैं, बैरिक्स में हैं, रुके हुए हैं, जो अपार्टमेंट्स के जो नीचे बिल्डिंग के बेसमेंट्स हैं वहां रुके हुए हैं। वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग है। हम न्यूज देख रहे हैं कि जो प्यूटिन है उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंस लगा दिए हैं, तो इट इज अ वेरी डिजास्टरस सिचुएशन देयर। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी, भले ही इवैक्यूएशन, इमीडिएट इवैक्यूएशन अगर नहीं भी है, तो उनकी सेफ्टी, उनका फूड, उनका शेल्टर, उनकी ध्यान में प्लीज रखा जाए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स TV दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड, खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी, हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स TV पर।
आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।